हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमसे कहा था कि भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाइए मेडिकल बॉक्स के बारे में कि जो बिल्कुल हेल्पफुल रहे, और उस वीडियो में आप सारी की सारी बातें बताए हैं कि कैसे मेडिकल बॉक्स को पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना है, और कैसे मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल करना है, और कैसे मेडिकल मोबाइल ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। और मान के चलिए कि हमारा मीडिया टेक का मोबाइल है वो हैंग किया हुआ है, हमारा मीडिया टेक का मोबाइल बूट नहीं कर रहा है हमारे मेडिकल बॉक्स से, और उसका यूएसबी ड्राइवर हैंग किया हुआ, तो कैसे उस यूएसबी ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना है। और मान के चलिए कि अगर आपका स्पीड रन का मोबाइल बूट नहीं कर रहा है मेडिकल बॉक्स से, आपका स्पीड रन का यूएसबी ड्राइवर जो है हैंग किया हुआ है अपने आपके कंप्यूटर में, तो कैसे उस यूएसबी ड्राइवर को आपको अनइंस्टॉल करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके साथ होता क्या है कि जब भी आप किसी मेडिकल बॉक्स का नए सेटअप को, जब भी नया कोई अपडेट आता है, उसे जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जो आपके कंप्यूटर में जो पहले से मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप इंस्टॉल रहता है, ड्राइवर इंस्टॉल रहता है, उसे आप अनइंस्टॉल नहीं करते। आप डायरेक्टली जो है कोई भी नया सेटअप आता है उसे आप इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रॉब्लम यह आता है कि कभी आपका मेडिकल बॉक्स जो है ओपन होकर के गायब हो जाता है, तो कभी आपका जो है मेडिकल बॉक्स स्टार्ट होता है लेकिन उसमें स्टार्ट बटन वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक मेडिकल का सेटअप है 2.59। तो इस सेटअप को हमें इंस्टॉल करने से, अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करने से पहले, सबसे पहले हमें जो अपने पुराने वाले जो सेटअप है हमारा 2.58, उसे हमें अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करना होगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हमें अपने यहां पे जो है कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमें उस सेटअप को पहले अनइंस्टॉल करना है। तो इस सेटअप को हम यहां पे अनइंस्टॉल पहले कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मैं अभी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, यूएसबी ड्राइवर के बारे में, स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा है उसके बारे में, और फार्मवेयर को कैसे हमें अपडेट करना है मेडिकल बॉक्स का उसके बारे में, और हमारा मेडिकल बॉक्स जो है ओपन होकर के गायब हो जाता है तो उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे जब अनइंस्टॉल सक्सेसफुली लिखेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, और जब आप इसे क्लोज कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल से, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप मान के चलिए आपका मीडिया टेक का यूएसबी ड्राइवर हैंग किया हुआ है, और या आपका यूएसबी स्पीड ड्रम का यूएसबी ड्राइवर आपका हैंग किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल में आपका सारा का सारा ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल है। तो आपका अगर जो भी ड्राइवर आपका हैंग किया हुआ है, आपको लगता है कि नहीं आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, आपका ड्राइवर हैंग किया हुआ है, तो आप उस ड्राइवर को यहाँ पे जो है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका मीडिया टेक का अगर मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, हैंग किया हुआ, तो मीडिया टेक का आप यहाँ पर देख करके उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका एसपीडी मोबाइल का अगर आपका ड्राइवर हैंग किया हुआ है, स्पीड ड्रम का आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा, तो उसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और दोबारा फिर से आप मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 विंडो 7 है, अगर आपके पास विंडो 7 का आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है तो विंडो 10 का आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सभी ड्राइवर की जो लिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑल मोबाइल यूएसबी ड्राइवर लिंक, उस वीडियो में मैंने सभी ड्राइवर की लिंक दी हुई है, क्वालकॉम का और क्या कहते हैं टोटल मोबाइल का, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम अपने माई कंप्यूटर के सी प्रोग्राम में चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कंट्रोल पैनल से मेडिकल बॉक्स को अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन फिर भी उसका जो यहाँ पे फोल्डर रह गया है, कुछ फाइल यहाँ पे रह गया है, ये जो है अनइंस्टॉल नहीं हो पाया, तो इसे हमें यहाँ से डिलीट करना होगा। तो हम यहाँ से इस मेडिकल के फोल्डर को, मेडिकल बॉक्स के फोल्डर को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम रिसाइक्लोबिन से भी हम जो है मेडिकल बॉक्स के फोल्डर को डिलीट कर देंगे पूरी तरह से। तो जब यहाँ से पूरी तरह से ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर के यहाँ पे स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में हमें लिखना है परसेंटेज और टेम्प, उसके बाद परसेंटेज, ये लिखने के बाद, ये टाइप करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड के इंटर बटन को जो है प्रेस करना है। इंटर बटन को जैसे हम दबाएंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो टेम्प वाला जितनी भी फाइल बनी हुई होगी हमारे कंप्यूटर में, वो सारा सारा यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्प फाइल यहाँ पे सारा सारा शो कर रहा है। तो ये सारी की सारी फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल ए दबा करके जो है हम इस सारी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी हम सारी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सारी फाइल को एक साथ सिलेक्ट करके उसके बाद हम इस फाइल को राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसे हमें डिलीट करना होगा, चलिए हम इसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ फाइल जो है डिलीट नहीं हो पा रही है, तो इसे हमें फिर भी जो एक दो फाइल ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसे हमें फिर से ट्राई करना है, फिर से डिलीट करने की कोशिश करना है। जितना डिलीट हो सके तो इसे हमें डिलीट कर देना है, जो डिलीट नहीं हो पाए तो उसे हमें छोड़ देना है।
उसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद रिसाइक्लो बिन में जो ये हमने डिलीट किया टेम्प फाइल, तो वो सारा सारा यहाँ रिसाइक्लो बिन में आकर जमा हो चुका है, इसे भी यहाँ से हमें जो यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो रिसाइक्लो बिन से भी हमें इस टेम्प फाइल को डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है। जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट होकर जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, उसके बाद हमें जो है अपने मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल करना है यहाँ पे। दोस्तों हमारा कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो को मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये मेडिकल का 2.59 का जो सेटअप है, इसे चलिए हम चलाते हैं। इसे हमें राइट क्लिक करके इसे ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है जो भी ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल चुका है, ओके पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमने इसे नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट की जैसे हम किए तो उसके बाद ये इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो गया हमारे कंप्यूटर में। तो दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल हो रहा आगे हम आपको अभी और भी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। मान के चलिए आपका स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे सही करेंगे आप, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मान के चलिए आपको फार्मवेयर अपडेट करना है या आपको डोंगल अपडेट करना है तो कैसे आप करेंगे, तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो जब तक ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है तब तक थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेटअप इंस्टॉल होते वक्त कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो ओपन हो जाएगा तो उसे भी आपको क्लोज कर देना है। कुछ पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा तो उसे भी आपको क्लोज कर देना है। यानी जो भी चीज ओपन हो रहा है इंस्टॉल करने के दौरान उन सबको आपको क्लोज कर देना है सिवाय मेडिकल बॉक्स के सेटअप को छोड़ के। उसके बाद यहाँ फिनिश करने से पहले आप एक बात को यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका मेडिकल बॉक्स का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप पहली बार अपने कंप्यूटर में मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करना बिल्कुल जरूरी होगा, ठीक है। और मान के चलिए आप पहले इंस्टॉल कर चुके हैं मेडिकल बॉक्स को और दोबारा आप दूसरे सेटअप फाइल को अपडेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे छोड़ के आप यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करके आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं या चाहे तो ना भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी करने वाला नहीं हूँ और इसे ड्राइवर को इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो पहले से इंस्टॉल है ड्राइवर, तो चलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। उसके बाद जो मेडिकल का जो सेटअप है इसे भी मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मेडिकल बॉक्स हमारा जो है सक्सेसफुली है इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00। तो ये ड्राइवर जितनी भी ड्राइवर है ये सभी की लिंक जो मैंने वीडियो बनाई है और मोबाइल यूएसबी ड्राइवर लिंक, उस वीडियो में सभी ड्राइवर की जो है लिंक दी भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें विंडो 7 का भी है और इसमें विंडो 10 का भी है। अगर आपका कंप्यूटर विंडो 7 है तो आप विंडो 7 का ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपका कंप्यूटर विंडो 10 का है तो आप विंडो 10 का जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब इस ड्राइवर को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे जितनी भी ड्राइवर आपको दिखाई जा रही है ये सारी की सारी आपको इंस्टॉल करनी होगी। इनमें से एक भी ड्राइवर छूटनी नहीं चाहिए, ये सारी की सारी ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, उसके बाद नेक्स्ट करते चले जाना है, नेक्स्ट करते चले जाना है और लास्ट में आपको फिनिश कर देना है। तो उसी तरह से आपको बारी बारी से सभी ड्राइवर को जो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे तीर का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है बैक करने का, रिवर्स करने का, जो है फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है बाकी सभी ड्राइवर को निकालने के लिए। तो आप यहाँ से निकाल सभी ड्राइवर को निकाल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए इस सेटअप को ओपन करके आपको दिखाते हैं 2.59 का। और उसके बाद मान के चलिए अगर आप इसे ओपन कर रहे हैं, अगर आपका इस तरह से ओपन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत में आपको ये दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ये ओपन हो गया, मान के चलिए आपका स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट बटन आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट लिखा हुआ है। अबाउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ आपको अबाउट पे क्लिक करना है, और फिर से जब अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिपेयर फार्म पर क्लिक कर देना है। एक बार जब ये कंप्लीट जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो रिपेयर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे अबाउट के बगल में ऊपर में वहां पे देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, उसके बाद आपको यहाँ चेक डोंगल अपडेट पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मेडिकल बॉक्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद तो आप एमटीके में वापस आ जाएं, और एमटीके में आने के बाद आप यहाँ पे दोबारा फिर से कनेक्ट करें, आपका बॉक्स सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो जाएगा और आपका स्टार्ट बटन जो है वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।